खबर है मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के चुनाव के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार 21 मार्च को नामांकन का आखिरी दिन है। इसके चलते 21 मार्च को कलेक्ट्रेट परिसर में काफी गहमा गहमी रही। इसके लिए नामांकन स्थल पर बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई है। अंतिम दिन होने के कारण अधिकांश प्रत्याशियों के नामांकन करने की संभावना बनी रही। बताया जा रहा था कि कुछ ऐसे प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं जो पहले भी MLC रह चुके हैं। इसी क्रम में भाजपा में श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह ने जिला अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह, नगर विधायक रत्नाकर मिश्र, मढ़ियान विधायक पूर्व मंत्री रमाशंकर सिंह के साथ पहुंचकर नामांकन किया। मिर्जापुर के विंध्याचल से सूरज कुमार की रिपोर्ट। देखिए ये जो भीड़ आप कह रहे हैं, इस भीड़ में 3617 मतदाताओं में से 3000 प्लस केवल मतदाता थे। प्रधान बीडीसी, सभासद, विधायकगण, चेयरमैनगण सब लोग थे इसमें, और सपोर्टर तो थे ही थे। जितनी भीड़ आप देख रहे हैं कि यहाँ नहीं, सब जन सैलाब उभरा जो था ये देख रहे हैं। किसी को हम लोग गाड़ी घोड़ा भेज के नहीं बुलाए थे। ये आने वाली जितनी जनता आई है मिर्जापुर सोनभद्र की, ये सभी लोग जाना कि भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखते हैं, हम लोगों से मोहब्बत उनका है, इसलिए सारी ये जनता आई हुई है। इतने के बाद देखिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी पार्टी चल रही है, माननीय जाना कि जेपी नड्डा जी हैं, माननीय अमित शाह जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी हैं, ये सभी लोगों का ऐसा नेतृत्व रहा और नेतृत्व क्षमता इनके अंदर इतनी है कि दोबारा जो चुनाव हुआ, इतिहास रचा गया। विधानसभा के चुनाव में आप देखे होंगे कि केवल इनका धरातल पर काम दिखा, लोगों की केवल बात आती थी मुँह से, धरातल पर ओरिजिनल काम आज बीजेपी में हुआ, इसलिए जनता दोबारा चुनकर लाई है। तमाम कोरोना काल के दशा में देखे जैसे सरकारें लग के काम की है, बाकी सरकारें उखाड़ फेंकी होती जनता जो है, इसलिए बीजेपी अब ही सदियों तक रहेगी। जितनी दिन 60 साल 70 साल के पहले कोई बीजेपी को हिला नहीं पाएगा।